गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल। आज तो फिर 9 बच्चे हैं। वैभवी, निष्ठा, निष्ठा कल क्यों नहीं आए थे बेटा, एक्सक्यूज दे सकते हो? एक्चुअली मैम मेरी ना ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी तो वहां पे बिजी थे। ओके ओके ओके। जेसिका बेटा मुझे नोटबुक्स भेजो आज सारे बच्चे, अभी चाहिए मुझे विद इन 1 आवर, इसके बाद क्लास के बाद विद इन 1 आवर मुझे सबकी नोटबुक चाहिए, जितने लेसन किए हुए बच्चे, ठीक है, जितने लेसन किए हुए उसकी मुझे कॉपी दे दो। हाँ जी मैम, जो चैप्टर डिलीट हो गया उनकी भी भेजनी है। अरे जो जितना बना हुआ है, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ और नया लिखो, जितना ग्रामर वर्क हुआ है, लिटरेचर हुआ है, उसकी पीडीएफ बनाओ और मुझे सेंड कर दो, ठीक है? ओके मैम। कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट कंप्लीट हो, कोई बात नहीं, स्लोली वी विल कंप्लीट। मैम इस टर्म के जो दो चैप्टर चेकिंग करवाने वो वाले भेज देते और समास भेज देते हैं साथ में। भेज दो बेटा, आप सारे की बना दो, ज्यादा बेटर है, जितना है मैम। ओके नाउ लिसन बेटे, लिसन, मुझे कीर्ति मेरे सामने बैठी है और कह रही है थोड़ा सा ततारा ममीरो दोबारा समझा दो, ठीक है? इन शॉर्ट आई विल टेल यू, कहानी है दो व्यक्ति हैं, ततारा ममीरो, ये नायक है, ये नायिका है, लड़का है, लड़की है। ततारा की यहाँ पे पर्सनैलिटी का वर्णन किया हुआ है, ताकतवर है, गठीला शरीर, चुस्त कपड़े पहनता है, बहुत मदद करने वाला है, अपने ही गांव के लोगों की मदद नहीं करता, दूसरे गांव के लोग भी उसे मदद के समय में पुकार लेते हैं, सबकी मदद करता है, ठीक है, खूब रोबीली पर्सनैलिटी है। लेकिन इसकी एक और खासियत है बेटा, ये अपने पास एक लकड़ी की तलवार रखता है। मानते हैं लोग कि उसमें दैवीय शक्ति है, लेकिन कभी उसे किसी ने प्रयोग करते हुए नहीं देखा, ठीक है? पड़ोस के गांव के लोग उसे पशु पर्व में, त्योहारों में भी बुला लेते हैं। ओके? एक शाम थक कर समुद्र के किनारे बैठा है। समुद्र के किनारे क्यों? क्योंकि ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, आइलैंड्स में रहते हैं, ठीक है? एक दिन थक कर यह समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया, थका हुआ, तो क्या है कि दूर से कहीं एक मीठी मधुर आवाज उसकी तरफ आ रही है, पवन के साथ बहती हुई, हवा के साथ बहती हुई आवाज आ रही है। वो एक लड़की का संगीत था, जो श्रृंगार गीत था, श्रृंगार गीत, श्रृंगार, शो के नीचे री है, र नहीं है इसमें, ठीक है, श्रृंगार गीत था, मीन्स लव सॉन्ग था, श्रृंगार गीत गा रही है, वो अनायास ही उसकी तरफ खींचा जाता है और नदी के समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, ठीक है? एक जोर से लहर उठती है, उसे भिगो जाती है, लड़की को, वामीरों को भिगो जाती है, तो उसकी तद्रा भंग होती है, उसकी एकदम से, मतलब जो मगन होके गा रही थी उसकी तद्रा भंग होती है, तो वो एकदम देखती है कि वो लड़का एक उसकी तरफ लगातार देख रहा है, ठीक है, और उसे कह रहा है कि तुम गाना रुक क्यों गई? वो कहती है तुम कौन हो, मैं आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकती। वो फिर कहता है तू गाना रुक क्यों गई गाती हुई, बहुत मधुर गीत गा रही थी, तूने गाना बंद क्यों कर दिया? लेकिन वो कहते तेरे को समझ नहीं आती कि मैं किसी और गांव के, मैंने तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं, और किसी और गांव के लड़के को मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, ठीक है? तो वो फिर जब वो भाग के जाने लगती है तो वो उससे उसका नाम पूछता है कि अपना नाम तो बताती जाओ, कल फिर आओगी, ठीक है? वो अपना नाम बता देती है और ये भी अपना नाम पीछे से बता देता है कि मेरा नाम ततारा है, कल मैं तुम्हारा फिर इंतजार करूंगा इसी चट्टान पे, यही इसी समय, ठीक है? अब नेक्स्ट डे दोनों के लिए बोझिल हो जाता है। ये जो है ना लड़की, ये घर जाके बहुत कोशिश करती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी और गांव के लड़के के साथ शादी हो ही नहीं सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है, मुझे इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्यों मेरा दिमाग बार बार उसकी तरफ जा रहा है? लेकिन वो अपने दिमाग को साफ नहीं कर पाती, क्योंकि हर लड़की के ड्रीम में एक बॉय होता है, वो वही लड़का है जो उसके ड्रीम में है, ठीक है? उसे लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया, तो वो उसके मोह पाश में बंधी हुई है, अपने आप को जबरदस्ती चाहती है मैं उसके बारे में ना सोचूं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम चाहते हैं इस चीज के बारे में हम बिल्कुल ना सोचे, लेकिन फिर विचार वही आ जाता है, जितना हम मना करते हैं उतना फिर विचार आ जाता है। जैसे आप किसी गेम को ही खेलने लगो, जैसे पबजी है आपकी फेवरेट बॉयज की, या मतलब वो सोचते हैं हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, लेकिन फिर वही विचार आ जाता है, वही हाल उसका है, वमीरों का, नहीं चाहते कि ततारा के बारे में सोचे, पर फिर विचार वही आ जाता है।
अगले दिन तो तारा मॉर्निंग में उठ के जाके वहां जाके इंतजार करना शुरू कर देता है ना, वो इंतजार करता है शाम ढलती, उसे पता है पता नहीं वो अमीरो आएगी कि नहीं आएगी, उसने कौन सा श्योरिटी दी थी कि मैं आऊंगी, पता है कोई पता नहीं, उम्मीद मेरी सारी डूब जाए वो आए या ना आए, पर फिर भी इंतजार करता है, ठीक है। और वह अमीरो भी वहां पहुंचती है, दोनों लगातार मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल बात नहीं करते, फिर भी दोनों रोज मिलते हैं, अंदर ही अंदर प्यार गहराता जाता है, बिना कुछ बोले बिना कोई कमिटमेंट किए अंदर ही अंदर प्यार गहराता जाता है, ठीक है। यानी उनकी आंखें जो हैं वो आपस में वार्तालाप करती हैं, और शब्दों का वार्तालाप नहीं होता उनमें, ठीक है, वार्तालाप होता है बातचीत संवाद, ओके वार्तालाप, दो वर्ड्स है वार्ता प्लस अलाप, है ना, अलाप होता है बोलना, वार्ता भी बोलना, वार्तालाप, ठीक है। तो दोनों में वार्तालाप नहीं चलता, लेकिन आंखों ही आंखों से वार्तालाप होता है, ओके। एक दिन पशु पर पे ततारा को बुलाया गया पड़ोस के गांव में, वहां जाता है, पशु पर में होता क्या है यहाँ पे डिटेल बताया हुआ है कि पशुओं की पशुओं से लड़ाई होती है, या इंसान पशुओं के साथ लड़ते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, बाद में भोज वगैरह होता है, ओके। तो ये वहां पे बुलाया हुआ होता है, गया होता है, लेकिन इसकी नजरें वामीरों को ढूंढ रही हैं, इसे वामीरों को ही नजर नहीं आ रही, लेकिन एक पेड़ की ओट में देखती है, देखता है कि वामीरो झांक रही है ना, पहचान लेता है उसे, वामीरो लगातार रो रही है, ये वामीरो से रोने का कारण ना पूछ सकता है ना उसे कुछ कह सकता है, वामीरो का रोना बढ़ता जाता है, वामीरो की माँ वहां पर आकर सबके सामने उनकी बेइज्जती कर देती है, जो इससे बर्दाश्त नहीं होती, ततारा से बर्दाश्त नहीं होती, अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, ना वो अमीरों को कंसोल कर सकता है, चुप करवा सकता है, ना उसकी माँ को कुछ कह सकता है, क्योंकि गांव के ऑपोजिट गांव के दो व्यक्तियों का विवाह संबंध हो ही नहीं सकता, वो अपने आप को इतना मजबूर समझता है, अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी वो तलवार निकाल लेता है, ठीक है, उस तलवार को निकाल के जोर से जमीन में गाड़ देता है, और पूरी शक्ति से उसे खींचता जाता है, किस लिए, अपने गुस्से को शांत करना चाहता है, अपने क्रोध का शमन करना चाहता है, ठीक है, खींचता जाता है तलवार, खींचता जाता है पसीने से लथपथ, जहां से खींचता जाता है वहां से द्वीप के दो टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं, एक द्वीप पे वो रह जाता है जो द्वीप समुद्र में डूब जाता है, और एक पे वामीरो रह जाती है, वामीरो उसके बाद पागल हो जाती है, उसके बाद वामीरो को इधर उधर घूमती नजर आती है, बाद में वो भी नहीं पता कहाँ चली जाती, यानी दोनों का दुखद अंत होता है, लेकिन वहां का सुखद शुरुआत होती है, यानी दो गांवों के लोग आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पैदा होता है कि जब कोई परंपरा हमारी उन्नति में बाधा पड़े बने तो उसका टूट जाना ही बेहतर है, स्पष्ट कीजिए, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब ये एक परंपरा थी, एक गांव के व्यक्ति का विवाह दूसरे गांव की व्यक्ति से नहीं हो सकता था, परंपरा थी ना, और इस परंपरा को वो निभाते चले आ रहे थे, लेकिन ये परंपरा दोनों गांवों की उन्नति में बाधक थी, है ना। ततारा अगर दूसरे गांव में जाके भी लोगों की मदद करता, कुछ काम करता, तो इट वॉज गुड, लेकिन नहीं, ये परंपरा को वो पकड़े हुए थे कि नहीं होना ऐसा, जिसके कारण दोनों का बलिदान देना पड़ा, इतना अच्छा युवक, लोगों की मदद करने वाला युवक हाथ से खो दिया उन्होंने, ठीक है। तो कोई भी परंपरा जो हमारी उन्नति में रुकावट बने, हमें प्रोग्रेस करने में रोके, उस परंपरा का टूट जाना ही बेहतर है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे हम लोग परंपराएं बनाए हुए, बिल्ली रास्ता काट गई जी, अब नहीं जाना जी, चाहे हमारा बहुत जरूरी काम है, विद इन 5 मिनट हमारा प्लेन मिस होने वाला है, लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई, हम तो घर बैठेंगे, फिर प्लेन मिस होगा, है ना, पता नहीं बिल्ली हमसे डर रही है या हम उनसे डर रहे हैं, हो सकता है हम रास्ता काट गए, बिल्ली का बेचारी का आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए, मतलब फालतू परंपराएं हमने जो बनाई हुई है उनका टूट जाना ही बेहतर है। आगे कहा जाता था शाम के समय लड़कियां कंघी नहीं करती, झाड़ू नहीं मारते, क्यों नहीं करते, उसके पीछे लॉजिक था, तो अब छोड़ देना चाहिए, लॉजिक था, उस समय लाइट नहीं थी, कंघी करोगे बाल बिखरेंगे, टूटेंगे बाल, आपकी सब्जी वगैरह में पड़ेंगे, रात का समय आपको नजर नहीं आएंगे, है ना, या कुछ झाड़ू नहीं मारना क्योंकि कोई कीमती चीज हो सकता है बाहर चली जाए, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, अब तो डे नाइट 24 घंटे हमारी लाइटनिंग इतनी जबरदस्त है कि इतनी सी सुई भी इधर उधर नहीं जा सकती, तो फिर वो परंपरा छोड़ देनी चाहिए ना हमें,
जो परंपरा हमारी उन्नति में बाधा बने उन परंपराओं को हमें छोड़ देना चाहिए. दिस वॉज द मेन क्वेश्चन ऑफ द लेसन. ठीक है, जो भी परंपराएं हमारी उन्नति में बाधा बने उन्हें तोड़ देना चाहिए. ओके, दोनों कहाँ के निवासी थे, हमें दोनों के गांवों का नाम याद करना होगा. एक लपाती का था और एक था लपाती और चलो आप देख लेना, खुद देख लेना. मतलब माइनर माइनर क्वेश्चंस भी करने क्योंकि एमसीक्यूज में आने हैं. ठीक है, सीन पैसे जाने हैं. ओके, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लेसन दोबारा करवाने की जरूरत है बेटे? किसी को जरूरत है तो रेज योर हैंड. अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले? वेलकम रूहानी. रूहानी 10th है, आज बड़े दिनों बाद आ पाए हैं. ओके बच्चे, किसी को? गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून. आप बताइए किसी को जरूरत है अब कहाँ दूसरों में के दुख में दुखी होने वाले, तो रेज योर हैंड ओनली. अनम्यूट नहीं करना अपने आप को, केवल हाथ खड़ा कर दो. किसी को जरूरत नहीं है, अभी तक किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, इसका मतलब वो लेसन सबको आता है. अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले सबको आता है. इन शॉर्ट, अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले? सुलेमान के उदाहरण, सुलेमान है ना, सोलोमन, सुलेमान. फिर उदाहरण शेख हयाज के फादर. ये लेसन तो बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको दो टीचर्स ने करवाया. शेख हयाज के पिता. तीसरा नूह, नूह का एग्जाम्पल. ठीक है, फिर लेखक की मां. वो सुलेमान है. फिर लेखक की मां, फिर उसके बाद लेखक की पत्नी. लेखक की पत्नी और बीच में हमारे वर्णन आता है कि मौसम चक्र जो बदल रहा है उसके कारण क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं. उन जहाजों का वर्णन करो जो जहाज, पहला जहाज कहाँ गिरा, दूसरा कहाँ गिरा, हमें एक एक चीज का पता होना चाहिए. रूहानी शर्मा, मुझे पता है बेटे आपने ये लेसन नहीं सुना हुआ. ठीक है, तभी मैंने इन शॉर्ट बता दिया कि इन सब चीजों का, इन सब नामों का वर्णन आता है बीच में. फिर किसी दिन करेंगे, आज हम कुछ और करते हैं. मैं आज आपके लिए मुहावरे पढ़ना चाहती थी थोड़े से, कि मुहावरे हमने कभी भी ऐसे नहीं किए डिटेल में, तो आज मैं थोड़े से मुहावरे पढ़ना चाहती थी आपके लिए. मुहावरे देखिए, पहला मुहावरा है मेरे पास, सॉरी पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास, ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ के विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है वह क्या कहलाता है? ऐसा वाक्यांश जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है क्या कहलाता है? मुहावरा. ठीक है, मुहावरा, ऐसा वाक्यांश जो साधारण अर्थ को छोड़ के विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है वो मुहावरा होता है. ओके, मुहावरे की विशेषता नहीं है क्या 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 मुहावरे की विशेषता नहीं है? यानी चार ऑप्शन है, इसमें तीन मुहावरे की विशेषताएं होंगी. यानी हम इस क्वेश्चन को करते हुए दोनों तरफ से लर्न करेंगे, है ना. मुहावरे की तीन विशेषताएं याद हो जाएंगी, एक मुहावरे की जो विशेषता नहीं है वो पता चल जाएगा. मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, बिल्कुल होता है. जैसे मैं कहूँ मुहावरा आग बबूला होना, अध्यापक आज आग बबूला हो उठे, वाक्य का अंश है ना आग बबूला होना. ओके, मुहावरे में क्रियापद का होना आवश्यक होता है. मुहावरे में क्रियापद का होना आवश्यक होता है. अगला है, मुहावरे का लक्ष्यार्थ ही ग्रहण किया जाता है, लक्ष्य पकड़ा जाता है. बिल्कुल सही है ये भी. मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है, नो. यानी तीन चीजें इसमें हैं मुहावरे के साथ. क्या क्या है? मुहावरा वाक्यांश होता है, मुहावरा में क्रियापद होना आवश्यक होता है. जैसे एड़ी चोटी का जोर लगाना, लगाना जोर लगाना क्रिया होती है ना, आग बबूला होना. ओके, लोहे के चने चबाना, मुहावरे में हमेशा क्रिया होती है लास्ट में. ओके, तीसरा, मुहावरे का लक्ष्यार्थ ही ग्रहण किया जाता है, मतलब मेन मतलब ही उसका ग्रहण किया जाता है, बस लक्ष्य मेन ग्रहण किया जाता है. ओके, और मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता. हम ये नहीं कह सकते कहीं भी एड़ी चोटी का जोर लगाना, नहीं कह सकते, पूरा सेंटेंस नहीं है ये. आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा तब मुहावरा का वाक्य बनेगा. ठीक है,
तो इसमें जो ऑड वन आउट था मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है, दिस इज रॉन्ग। तीन चीजें जो हैं मुहावरे में, दोबारा रिपीट कर रही हूं, मुहावरा वाक्यांश होता है, मुहावरे का क्रियापद होना आवश्यक होता है, और मुहावरे का लक्ष्य ग्रहण ही मेन मूल है। ओके, मतलब मेन लक्ष्य पकड़ा जाता है ना, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा होना। अब इसका मतलब है बड़े व्यक्ति को थोड़ी सी चीज खाने को देना, मेन मतलब बीच में से उठाया जाता है। ये वैसे लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। ठीक है, जैसे लोहे के चने चबाना, अब ना चने से हमारा मतलब है ना लोहे से हमारा मतलब है, इससे मतलब है हमारा कठिन काम करना, क्योंकि लोहे के चने चबाए नहीं जाते ना कभी भी, तो कठिन काम करना ना, असंभव कार्य करना, मेन लक्ष्य की ओर ध्यान जाना चाहिए हमारा। ओके, नेक्स्ट है, लोक में प्रचलित उक्ति कहलाती है। लोक में प्रचलित उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति, प्रचलित उक्ति, लोकोक्ति। ठीक है, लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति। ओके, लोकोक्ति आएगा इसमें, उसने कहा है सूक्ति, लोकोक्ति, लोकवाणी, लोक कथा, चार ऑप्शंस से। ठीक है, तो कंफ्यूजन सूक्ति और लोकोक्ति में हो सकती है, पर ये लोकोक्ति है, लोक और उक्ति होना। अगला है अंगूठा दिखाना का अर्थ मना कर देना, साफ इनकार कर देना। लेकिन यहां पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं वो सुनो, उपहास करना। क्या होता है उपहास करना? मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, उपहास करना। उपहास मीन्स मजाक। ओके, सेकेंड वर्ड है जीत प्रदर्शित करना। अक्सर आप जीत प्रदर्शित करने के लिए अंगूठे दिखाते हो व्हाट्सएप पे, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन अंगूठा दिखाना होता है साफ इनकार करना, गलत करते हो आप। ओके, इनकार करना, राइट, पास बुलाना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़ा होना। खड़ी तो मैं भी हूं अपने पैर पे, मतलब कमाने के लिए तैयार हो जाना, अपने पैरा खुद कमा के खाना। ठीक है, आप देख रहे हैं इनमें सब में क्रिया है पीछे, आंखें दिखाना, अपने पैर पे खड़ा होना, क्रिया शब्द है लास्ट में। ओके, मुहावरे में अंत में क्रिया होता है शब्द। ओके ओके, अपने पैरों पे खड़ा होना, मजबूत होना, बड़ा हो जाना, स्वावलंबी होना, लड़ने के लिए तैयार होना। ओ, स्वावलंबी होना, स्वावलंब, वर्ड देखो इसमें कौन सा है, स्व, स्वावलंबी। आपको वर्ड समझ आना चाहिए, ये है स्व प्लस अवलंबी। अवलंब होता है सहारा, जिसे अपना सहारा है, अपना खुद का सहारा है, अपने पैरों पे खड़ा होना। ठीक है, प्लीज। ओके, दांत खट्टे करना, सुना हुआ है ना, दांत खट्टे करना। नींबू खाना, दांतों में खटाई लगाना, दांत साफ करना, हरा देना। ओके, हरा देना। है, हाँ जी, नेक्स्ट है, एक और कौन ज्वाइन कर गया बच्चे, रूहानी, तेजवी, सिमन, सिमन आई है बाद में। ओके, सिमन यहां से गई है ना अभी। यस मैम। नेक्स्ट है हाथ मलना का अर्थ, हम हाथ कब मलते हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ, पछताना। पछताना, हाथ मलना मीन्स पछताना। ओके, तो यहाँ पे दोनों हाथों को रगड़ना, हाथ धोना, विवशता प्रकट करना, हाथों को गर्म करना, व्यवस्था व्यवस्था प्रकट प्रकट करना, व्यवस्था करना। प्रकट करना। ओके, कान भरना, जब हम कान के चुगली पास जाके ऐसे करना। करके बात करते हैं, चुगली करना, यहाँ पे कानों में पानी डालना, चुगली करना, कान में दर्द होना, सुनाई ना देना। ओके, चिकना घड़ा, तो आपको सबको पता है, पता है ना, जिसपे कोई असर नहीं होता, चिकना घड़ा। हाँ, यानी घड़े पर तेल लगा होना, घड़े का सुंदर होना, घड़े में घी भरा होना, निर्लज होना। लास्ट क्यों? हाँ, निर्लज होना, लास्ट वाली ऑप्शन है। निर्लज होना, कोई शर्म नहीं है कि चिकना घड़ा है। ओके, आग बबूला होना, सबको पता है, मैं नहीं बोल रही, केकड़ी जताना, मैं करूंगा ना। हाँ, हाथ मलना, मित्रता करना, नाराज होना या अकड़ दिखाना। ओके, क्वेश्चन अकड़ दिखाना। आएगा,
टू हॉट, हाँ होश में ना रहना। सुध बुध खो बैठना, होश में ना रहना, है ना। ओके बहुत दिनों बाद दिखाई देना का मुहावरा, ईद का चांद, आंखें चुरा लेना, बच के निकल जाना, बच के निकल जाना, इग्नोर करना होता है, बच के निकल जाना, ठीक है। अत्यधिक प्रसन्न होना के लिए मुहावरा, बाहा या फूले ना समाना, या बाग बाग होना, गार्डन गार्डन होना जिसे आप कहते हो, बाग बाग होना। ओके थोड़ा ध्यान रहना है। अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, तभी मैं मास्क के बिना बोल रही हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। ओके लाल पीला होना, वैसे तो गर्मी से भी इंसान लाल पीला होता है, गर्मी से भी पसीना आना, अच्छा मैं क्या, शायद पसीना आना, लाल पीला होना, क्योंकि इस समय मुझे मुझे गर्मी, मेरी गर्मी देख के लाल पीला होना सिद्ध हो रहा है। एक तो कपड़े मेरे लाल हैं ऊपर से गर्मी, गुस्सा आना, ये होगा इसका शायद, गुस्सा आना बेटा, गुस्सा आना बच्चे, गुस्सा आना, गुस्सा आना। आप ये देख रहे हो इतनी गर्मी है, मैं पढ़ा रही हूँ, पर आपकी स्ट्रेंथ देख के मुझे मजा आ रहा है। कम से कम 11 बच्चे वहां हैं, 3 यहाँ हैं, 15 तो हैं। मुझे पता है खुशी होती है जब मैं ज्यादा बच्चे देखती हूँ, पढ़ाने में मजा आता है, अदरवाइज आई फील इरिटेटेड कि क्या पढ़ाऊं, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे, वही सारी क्लास हो तो मुझे लगता है मैं ज्यादा एंथुसियाज्म से पढ़ा सकती हूँ। नहीं वो बेटे 23 बच्चे तो ज्यादा बच्चे होते ही नहीं, 23 बच्चे ज्यादा थोड़ा होते हैं, ठीक है, 23 बच्चे ज्यादा नहीं होते। ओके आंखों में धूल झोंकना सबको पता है, धोखा दे देना, धोखा दे देना, ठीक है। ओके नेक्स्ट है लांछन लगाना, लांछन लगाना, लांछन इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे है ऑप्शन दी हुई है, काम तमाम करना, क्या होता है काम तमाम करना मुहावरा, मार देना, मार देना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ाना, कीचड़ उछालना, लांछन लगाना, किसी की बेइज्जती करनी, लांछन लगाना, यही है। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना, आज जिसने कॉपी नहीं भेजी ना तो अध्यापिका आड़े हाथों लेंगी, क्योंकि आज आड़े हाथों लेना मतलब सख्ती से काम आएंगी, मारना जरूरी नहीं है। मैं कह दूंगी मैं नंबर काट लूंगी, मैं कह दूंगी मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, है ना, कुछ भी, क्योंकि असेसमेंट तो टीचर्स के हाथ में है बच्चे, आपकी करनी पे है, टीचर्स के हाथ में भी नहीं, आपकी करनी पे। अगर एक कॉपी मुझे मांगने के लिए इतनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी तो मैं नंबर भी तो फिर उसी हिसाब से दूंगी ना। ओके 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 आप लोग टेस्ट भी नहीं देते बेटा, तो फिर गुस्सा आता है। आज है टेस्ट, आज है टेस्ट, आज ये मुहावरे का ही देते हैं, मुहावरों का टेस्ट देते हैं, 10 नंबर का, है ना, दूंगी 5 बजे के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 o'clock आई विल सेंड यू टेस्ट, ठीक है। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, रात तक आप भेज सकते हैं टेस्ट मुझे चेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड यू आर अटेंडिंग योर ट्यूशंस और समवट, कोई बात नहीं, आपको टेस्ट करना है, क्योंकि मेरा टेस्ट जो होगा वो चीटिंग करके करने वाला है नहीं, ये आपको अपने आप ही करना होता है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आगे टाइम का ध्यान रखें, 5 मिनट और है, 5 मिनट में देखते हैं कितने और पढ़े जाते हैं। आगे है छक्के छुड़ाना, हाँ छक्के छुड़ाना, हरा देना, हरा देना। ओके समझ आना, इसके लिए मुहावरा, समझ आना, मुहावरा समझ आना, समझ आना, क्यों समझ आना के लिए मुहावरा, चलिए आप में से कोई समझ आना, किसी बात का घर करना, हाँ 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 इसके लिए मुहावरा, देखिए दिमाग कितना चलाते हो, समझ आना, पल्ले पढ़ना, पल्ले पढ़ना मुहावरा है, पल्ले पढ़ना नहीं हिंदी में भी आएगा। ओके चलिए आगे, दांतों पसीना आना, बहुत मेहनत का अनुभव, बहुत कठिनाई का अनुभव करना, अधिक कठिनाई का, बड़े भाई साहब में से है, दांतों पसीना आना, कठिनाई का अनुभव करना, भारी सदमा लगना,
भारी सदमा लगना, प्राण सूखना, बहुत आंखें खुलना, जिगर के टुकड़े होना या सुदबुद होना? जिगर के टुकड़े होना, जिगर के टुकड़े होना, ठीक है। मौत सिर पर होना, खतरे में होना, उदास होना, चेहरा उतरना, चेहरा उतरना, मुआवरा बोलना था, ठीक है। सांस थमना, घबरा जाना, हाँ घबरा जाना, यहाँ पे मर जाना भी है, सांस थमना मर जाना भी है। सांस थमना मर जाना नहीं होता, वो सांस रुकना होता है, ये सांस थमना, दो मिनट के लिए सांस थम गई मतलब घबरा जाना, ओके ठीक है। बाकी आज 10 मुहावरे टेस्ट में देते हैं, क्यों इनमें से डालना ना, आपका आपका थोड़ा सा टेस्ट ना हो, होना चाहिए ना आपका टेस्ट, तो बी रेडी फॉर मुहावरे, ठीक है। आज मुहावरों okay, मैम, आज मुहावरों का टेस्ट होता है, ठीक है बच्चे जी, चलो ओके ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। वैसे थैंक यू आपको कहना चाहिए, बट आई एम सेइंग दैट क्योंकि मिनते करते थे आपको बुलाती हूँ मैं। हाँ कॉपियां भेजनी अभी, नहीं तो टीचर लाल पीले हो जाएंगे।